होगी यार मैं जागते मुझे क्या पता था ये तो है भी सीन हो गया। क्या देख रहे हो आप लोग? सोच रहे होगे कि ये आज बड़े जबरदस्त जबरदस्त गीत गा रहे हैं। जनाब आज मैं खुशी के गीत भी गा रहा हूँ और गमजदा गाने भी। यार रो रो के मत मार दिए इस बुढ़िया ने, भाड़ में जाए इनकी तलाक। देखो जरा 3 महीने से बिजनेस को तबाह करके रख दिया, खुद तो ऑफिस जाती नहीं है, ऊपर से हमें भी यहाँ बुला लेती है। मैं तो तंग आ गया हूँ, मगर कमबख्त करें तो क्या करें, कहीं और नौकरी भी तो नहीं मिलती। वैसे मुझे तो मैम के एक्स हस्बैंड ने ऑफर की थी कि मैं उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। अरे वाह वाह, धरकी ने तुम्हें कंपनी देने के लिए ऑफर की होगी। शराब। वैसे इनकी तलाक हुई क्यों थी? मैम ने अपने एक्स हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लिया था। वाकई? अरे हाँ, मैम ने मुझे खुद बताया। जब लाहौर गई थी ना अपने घर वालों से मिलने, वो जल्दी वापस आ गई। और साईं को उन्होंने देखा। ऐसा बोल, सब सुन लेंगे। आपको कैसे पता? अरे मैं कह रही हूँ होली बोल। ओ यारा, खुल गया पोल। क्या पोंगिया मार रहा है? मैं साहब को ना सरप्राइज देना चाहती हूँ। तलाक को अंग्रेजी में सरप्राइज कहते हैं? चुप कर मनोज, सरप्राइज का मतलब है खुशखबरी। खुशखबरी? क्या हमारा मैडम माँ बनने वाले? कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्या मैं तुम्हारी ऑक्सीजन हूँ? ये ह्यूमर जो आपका है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा सुनो, मुझे ना एक सोने का सेट पसंद आया, ला दोगे ना? अरे फिकर नहीं करो जानू, मैं ले दूंगा तुम्हें। ले दूंगा नहीं, ले दो, वरना अपना और मेरा टाइम जाया मत करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी सांड जैसी बीवी की जायदाद तेरे हाथ में आने दो, बस। ये बात तुम पिछले 6 महीने से कह रहे हो। अरे मैंने तो बड़ी कोशिशें की है जानू, लेकिन मुल्क के हालात इतने खराब है कि मैं कामयाब नहीं हूँ। इसमें मुल्क के हालात का क्या दखल? इस मुल्क की कोई चीज अब खालिस नहीं है। मैंने सूप में जहर मिला के उसको पिलाया, जहर 2 नंबर का निकला। मैंने बिजली के नंगे तार उस पर फेंके, एक वक्त में लोड शेडिंग हो गई। अच्छा जानू, पीछे देखो, अपने पीछे देखो। मैं पीछे कैसे देख सकता हूँ? अहमद बाजी। देखो एक मर्द को तुम्हें बाजी कहते हुए शर्म आनी चाहिए, अच्छी बात नहीं। पीछे देखो। पकड़ लिया, तलाक ले ली और अब 3 महीने से इद्दत में। और वो लड़की तो हॉस्पिटल में है ना, मैं उनकी इद्दत 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके मजीद 3 महीने लगेंगे रिकवर होने में। ओए इतना मारा थोड़ी, बस उसको गिराया और उसको बताया थी। और ग्रीन साहब तो भाग गया ना, तो अब क्या सारी जिंदगी हमारी जिंदगी हराम करेगी क्या? मैंने तो मशवरा दिया कि दूसरी शादी करें। अबे कौन करेगा इस धाड़ से शादी? अरे मैम करोड़ों रुपए की मालकन है, बहुत पैसा है उनके पास, तू भी कर लेगा शादी सालस में आके। हाय अल्लाह, मैं तो कहती हूँ कि पैसा कमाने के लिए मर्दों का कुछ भी करना जायज है। अरे रहने दो बहन, एक नंबर के निकम्मे होते हैं ये मर्द, बोलू के बैल है ये, हिम्मत ही नहीं होती इनमें तो। कसम से अगर मैं मर्द होती ना तो अब तक तो करोड़ों कमा ही चुकी होती। अच्छा वो कैसे? है क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं करती मैं। वो मैं तो जिस भी महकमे में मुलाजिम होती ना, अरे रिश्वतों की अंबार लगा देती, यहाँ कौन सा कोई पकड़ा जाता है। अब ऐसी ही बात नहीं है, तुम्हारे अब्बा को ही देख लो, अब तक भुगत रहे हैं, हालांकि मामूली सी रिश्वत थी। स्मार्ट होना चाहिए मेरी जान, स्मार्ट। तो तुम खुद क्यों काम नहीं कर लेती? अगर फैसल ने तो थोड़े से पैसे दे देना तो मैं तो बुटीक लगा लूँ कपड़ों का। तुम्हें तो पता है मेरा टेस्ट कपड़ों में कितना अच्छा है। तो बात करो ना फैसल भाई से, मर मर के तो महीने का गुजारा होता है, औरतें तो फंसती चली जाती हैं बेवकूफ मर्दों के चक्कर में। ओए तो फैसल भाई को मशवरा दो ना, एक लंबा हाथ मारने का।
लो भाई हाथ के हाथ ले आना। ये क्या है? मैम की रिपोर्ट लैब से कलेक्ट करनी है। तो अब हम इन्हीं कामों के लिए रह गए हैं। सीडी ले आओ, मेडिकल रिपोर्टें ले आओ। क्या है यार ये? नौकरी की थे नफरत की। फैसल तू अभी मुझे पहचाना तेरा क्लास वालों? इकबाल यार, कैसा है? क्या हाल है तुम्हारे यार? अल्लाह का शुक्र। तू बता खैरियत जहाँ कैसे? बस यार वो कुछ रिपोर्ट देनी थी उसके लिए आया था। तो मुझे बताना क्या क्या रिपोर्ट? और बता इतने दिन कहाँ रहा? तुम यहाँ काम कर रहे हो? हाँ ना, यहीं पे। चलो तो जबरदस्त हो जाएगा ये तो। और शादी वादी कर ली तूने कि नहीं? यार शादी कर ली, बच्चे नहीं हुए अभी तक। अच्छा वो रसीद तो दिखा। सॉरी। और सुना ये कौन है भाई? मेरी बॉस की रिपोर्ट है भाई। फैसल फटाफट तो अपनी दूसरी नौकरी का बंदोबस्त करा ले। हैं क्यों? मैं तो हैरान हूँ कि तेरा बॉस अब तक जिंदा कैसे? क्या मतलब यार? अरे शुगर लेवल इतना हाई है कि जरा सा भी मीठा खाया ना मौत कंफर्म। लीवर वो तो है ही फारक। किडनी वो तो काम ही नहीं कर रही। माफ कर दो मुझे। दिल इतना बड़ा हो। अरे यार बस कर दे बस कर दे। और रह क्या गया इंसान के अंदर यार? सब कुछ तो खराब हो गया। हेलो। हाँ फैसल ले ली रिपोर्ट? हाँ ले ली है, आखिरी रिपोर्ट। अच्छा मैं मैम को लेकर डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ, देर हो जाएगी। मैडम को बोलो देर हो चुकी है। हाँ इसीलिए मैम कह रही है कि तुम कल रिपोर्ट लेके घर आ जाना, आज के लिए तुम्हें छुट्टी हो गई। अच्छा लो छुट्टी तो उनकी हो गई है, अभी भी अपने दांत वांत फिट कराने जा रही है। कभी हमें भी दांत में खलाल करने का मौका दो। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे यहाँ भी बकरी के अलावा कभी गोश्त पके। कितनी नाशुक्री हो ऐसे तुम। कम से कम भी चार दफा मुर्गी बनती है हफ्ते में इस घर के अंदर। लेकिन चिकन दांतों में तो नहीं भरता। तंग आ गया मैं ये तुम्हारे रोज रोज के तारों से यार। अरे मैम करोड़ों रुपए की मालकिन है, बहुत पैसा है उनके पास, कोई भी कर लेगा शादी उस लालच में आके। लीवर वो तो है ही फारक। किडनी वो तो काम ही नहीं कर रही। अम्ब्रीन मैं तुम्हें ना सोने में तोल दूंगा। क्या हो गया? दाल दिमाग पर चढ़ गई है क्या? नहीं नहीं सिर्फ एक मौका दो मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, इस मौके के चक्कर में एक का सर तो कटवा ही चुकी हूँ, अब कहीं तुम नहीं 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 अब तुम्हें मौका नहीं मिल सकता। पागल होगी अम्ब्रीन, मेरी तरक्की होगी, मेरी तनख्वाह में इजाफा होगा, बल्कि बहुत ज्यादा इजाफा होगा। बस एक मसला है, ये 2-3 महीने के लिए लाहौर जाना पड़ेगा। अरे मामा बड़ा सूट सूट का रखा है। बात सुनो, क्या पानी की जगह परफ्यूम से नहा लिया हो? इतनी खुशबू मार रहे हो। नहीं बस वो थोड़ा ज्यादा लग गया। थोड़ा ज्यादा? चलो मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो सुनो, वो लाहौर का क्या हुआ? आज पता चल जाएगा कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अब आज दिल आई है ना तो कोई मनहूस खबर ना सुनाना, मैं 1-2 महीने बर्दाश्त कर लूंगी। ओहो बड़े तैयार शैयार होके आए हो, लेट पे जा रहे हो क्या? नहीं बस ऐसे ही। मैडम अंदर है? मैंने तो जंप किया था। ओहो वेरी फनी, मेरा मतलब है घर के अंदर है। हाँ उनकी इद्दत खत्म हुई है, मैंने उनसे कहा तैयार हो और ऑफिस जाए। मारिया मैंने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो।
बुरा तो नहीं मनाओगी तुम? सिर्फ थप्पड़ मारूंगी बस। नहीं, तुम्हारे बारे में बुरी बात नहीं करनी है। मेरी किसी सहेली को तो तुम जानते नहीं। मैं कुर्बानी देना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, हम तो खुद ब्राइन में हिस्सा डालते हैं ना। ओहो, मैं किसी के काम आना चाह रहा हूँ। नहीं, हम सबका हराम नहीं लेते। हेल्प मी दुर्दाना, हेल्प मी। अच्छा बस बोलो क्या काम। वो ना मैं मैडम को ना करना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैडम को प्रपोज करना चाह रहा हूँ। लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम किसी के काम आना चाहते हो, तो तुम अपना काम निकाल रहे हो। नहीं, बस मुझसे ना मैडम का अकेलापन नहीं देखा जाता। तुम पहले से शादीशुदा नहीं हो? उस रिश्ते को खत्म हुए 2 महीने हो गए। तो मत बनो, हिम्मत करो, मैम को प्रपोज करो। हेल्प मी। हाय हाय, ये सस्ता सा परफ्यूम किसने लगा रखा है? वो मैडम, मैं आपकी रिपोर्ट्स ले आया हूँ। अच्छा, शाम को दिखाऊंगी डॉक्टर को। वो मैडम, वो थोड़ी सी गुस्ताखी हो गई। क्या? वो मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, वो रात को घर आए हुए थे, मैंने आपकी रिपोर्ट उनको दिखा दी। ना सोनिया, ठीक तो है ना रिपोर्ट? आप बिल्कुल घोड़े की तरह फिट है। घोड़ी? हाँ, घोड़ी की तरह फिट है। मोह टाटा, मैं तानू जानवर नजर आनी है इस्ट्रोबिट। अरे नहीं नहीं मैडम, ये तो एक मिसाल है ना। कोई चश्मी मिसाल नहीं नजर आंदी तानू। मैडम आप बिल्कुल मलिका की तरह फिट। मलिका शरावत की तरह। वो जो जो वाहियात काम कर दी ना, मैं उसकी सारी फिल्में देखी है ने। वो मैम फैसल ना आपसे कोई बात करना चाहता है। किते चली है जवान लड़की और जवान लड़के को अकेला छोड़कर? मुझे तो पता है ना, दो अकेले जवान हो तो तीसरा शैतान होता है। हाँ मैम, कुछ नहीं, वो बस मैं सोच रही थी पानी लेके आ जाऊं। पानी पियेंगे ना आप? हाँ हूं दस भाई, तू तनख्वाह बतानी है ना भाई। अभी नहीं, 3 महीने से तो मैं गई नहीं ऑफिस। नहीं मैडम, वो बात नहीं है। नहीं, क्या बात है? वो दरअसल मैडम, मैं बहुत तन्हा हूँ। अच्छा, तो जानवर पाल लेना। मैडम, जानवर और इंसान में तो फर्क होता है ना। मैडम अगर आप चाहें तो। फैसल! माफ कर दो मुझे। क्या हुआ मैम, खैरियत? वो किते चला गया? उसने बदतमीजी की आपके साथ? हाँ, कह रहा था मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। उसकी ये जरूरत, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को क्यों? उसे कौन मौलवी लेकर आए? जल्दी जी। आपको हक में 1 करोड़ रुपए के अवैध देने का कबूल है? बिल्कुल कबूल है, ऐसा वैसा कबूल ही कबूल है। हाँ इकबाल बोल। अबे यार, कल जो तुझे रिपोर्ट पकड़ाई थी वो जल्दी में गलत दे दी। क्या? हाँ यार, तू जल्दी से आके उसको चेंज करा ले और बॉस को मुबारकबाद दे दे, वो तो बहुत फिट है, 100 साल जिएगी। इकबाल फैसल मेरा भाई, तो आज कितना प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा हूँ, बकवास बंद करो, प्यारा लग रहा हूँ। यार फैसल, तू मेरा अच्छा दोस्त है ना? ओहो बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तुझे उस वक्त दोस्ती नहीं याद आई जब उस गैंडे से शादी करने के लिए मशवरा दिया था तूने? यार देख भाई, मुझे छोड़ दे भाई, मुझे माफ। मेरे साथ तो जो हो रहा है वो आप देखते ही रहेंगे, लेकिन जो अब मैं इसके साथ करने लगा हूँ, ये 25 मंजिलों का सफर बहुत जल्दी तय करेगा। क्या है जानू, देसी चिकन है खा लो, देसी घी में बनाया है, साथ में अंडे का हलवा और पंजीरी भी खानी है, और उसके बाद लस्सी का एक ग्लास ठंडा। क्यों मैम, इसको यकान करवाना है क्या? चुप करो तुम, देखती नहीं मेरे खावन की तबीयत कितनी खराब है? खाएगा तो सेहत ठीक होगी ना। सेहत खराब होने की वजह खाना नहीं है तो फिर और क्या है? बस वो ऐसे ही थोड़ी तबीयत खराब है। मारिया, तुमने टिकटें बुक करा ली?
क्या आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं हनीमून पर। क्या हनीमून अभी बाकी है? अबे बाकी नहीं है, पूरा एक महीना है। वैसे एक बात है, जब तेरी मैडम से शादी नहीं हुई थी ना, तुम फुल मून यानी चौदहवीं का चांद, तीन दिन में तू पहली का चांद लग रहा है और तुझे दूरबीन से देखना पड़ रहा है। खास लगाई हुई है तुमने, और ये वैसे तुम्हारा ही मशवरा था ये करने का, अब निकलवाओगे भी तुम ही इसके अंदर से मुझे। वैसे तुम्हें खुद क्यों ना जाना पड़े एक महीने के लिए हनीमून के ऊपर। तौबा 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 तौबा। देख हनी का मतलब होता है शहद, और बड़ी मक्खी का शहद बहुत बुरा होता है। अरे बाबा पंजाबी, ओए बाबा कमाल हो गया भाई। ये तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? अबे 500 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? पागल वो देख तलाश गुमशुदा, 500 रुपए नगद इनाम, एक आदमी इस उम्र फैसल रंग सफेद तीन। अबे मेरी बीवी पागल तो नहीं हो गई? ओए जिंदगी हंसी होगी यार, मैं जागे थे मुझे क्या पता था, ये तो है भी सीन हो गया।